Brought to you by Agilus Diagnostics। Agilus Diagnostics। माननीय सदस्य श्री रविंद्र वायकर जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। आज फाइनेंस बिल पर हो रही चर्चा में मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूँ। महोदय, मैं एक कोट के माध्यम से इस फाइनेंस एक्ट ऑफ बजट को समराइज करता हूं। बजट रिफ्लेक्ट्स अ चॉइस, नॉट एन इजी चॉइस बट द राइट चॉइस, एंड व्हेन यू थिंक अबाउट इट द ओनली चॉइस, द चॉइस टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रूडेंट पाथ टू फिस्कल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी। आज जो हम पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। अध्यक्ष महोदया, मैं आपको बताता हूं कि महाराष्ट्र राज्य को केंद्र सरकार ने क्या दिया। केंद्र सरकार ने मुंबई, नासिक, पुणे और नागपुर इन चारों शहरों का विकास किया। महाराष्ट्र में सड़कों के लिए 75,000 करोड़ की निधि दी गई। अध्यक्ष महोदय, रेलवे के लिए 2.10 लाख करोड़ की निधि दी गई। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए अलग से 1 लाख करोड़ दिए गए। हवाई अड्डे के विकास के लिए 4.04 लाख करोड़ की रुपये दी गए। 6 लेन वाले अटल सेतु के लिए निधि दी गई। पालकी मार्ग के लिए प्रामुख्य से 11,000 करोड़ से की निधि दी गई। पिछले 10 वर्षों में रेलवे के लिए 5,800 किलोमीटर के 34 नए परियोजना के लिए शुरू कर दिए। राज्य के 9 हवाई अड्डों के विकास कार्यों के लिए 561 करोड़ रुपए दिए गए। मत्स्य पालन के लिए 2,600 करोड़ रुपए दिए गए। अध्यक्ष महोदया, सरकार ने इसी टैक्स रेवेन्यू से जितने काम किए हैं और कितने काम उसके बेनिफिट हुए, ये भी मैं बताना चाहता हूँ। जन धन योजना के 50 करोड़ नए बैंक अकाउंट खोले गए, जिसने आर्थिक समग्रता को बढ़ाया दिया। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 55 करोड़ गरीबों को इलाज की आर्थिक सहायता दी गई। 25,000 जन औषध केंद्रों के माध्यम से सस्ती दवाएं मिल दी गई। 10,000 करोड़ कनेक्शन उज्ज्वला माध्यम से महिलाओं के लिए दिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों को 4 करोड़ मकान बनाए गए और इस नए कार्यकाल में 30 करोड़ नए घरों की स्वीकृति मिल गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अध्यक्ष महोदया, इस अर्थसंकल्प में 11,11,111 करोड़ सबसे बड़ा माध्यम आर्थिक विकास और उसके लिए भी सरकार पूरी तरह प्रतिबंध दिया गया है। हमारे भविष्य ग्रीन इरा यानी हरित युग का है। सरकार हरित उद्योग पर निवेश बढ़ा रहे हैं, जिसमें ग्रीन जॉब्स के बढ़े हुए, ग्रीन एनर्जी को, फिर ग्रीन मोबिलिटी, हर मोर्चे पर हम बड़े लक्ष्यों के साथ काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से हमारी महाराष्ट्र सरकार ने भी 46.06 लाख किसानों के कृषि पंपों के बिजली बिल माफ कर दिए हैं, जिसके लिए सरकार को 14,700 करोड़ रुपया खर्चा आएगा। लाडली बहिना योजना के माध्यम से 2 करोड़ माताओं और बहनों को 1,500 रुपये पर मंथ मिलेगा और उसके लिए हम 46,000 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत हम प्रत्येक परिवार को साल में 3 LPG सिलेंडर मुफ्त में देने, जिसमें 52,16,412 परिवार लाभार्थी हो गए। जहाँ गाँव है, गांव जीते गोदाम योजना के तहत 100 नए गोदाम का निर्माण और मौजूदा गोदाम की मरम्मत में जाएगी, जिससे किसानों का पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस कम हो जाएगा, जिसने फसलें बर्बाद होगी। जो चौथा प्रश्न था, उसके अंदर ये आंसर भी दिया गया। महाराष्ट्र FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा और 2023-24 से 1.25 लाख करोड़ महाराष्ट्र को मिले हैं और हमारे महाराष्ट्र के सबसे ज़्यादा 21,105 नए स्टार्टअप है। यह कहने इतने लाख करोड़ की योजनाएं सिर्फ हमारे इफेक्टिव टैक्स मैनेजमेंट और रेवेन्यू के कारण मिल रही है। अध्यक्ष महोदया, मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने टैक्स को आम जनता के लिए इजी बनाया है। 2013 में एवरेज टाइम फॉर इनकम टैक्स रिफंड को जो 93 डेज था, वो आज घट से घट के 30 दिन हो गए हैं। आज पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक AIM निर्माण हो रहे हैं। एयरपोर्ट या रेलवे की लाइंस लगा रही है। मैं या कहना चाहता हूं, 2013-14 में सिर्फ 3.8 करोड़ लोग ITR भरते थे, आज और आज की संख्या बढ़कर 7.78 करोड़ हो गई है, मतलब डबल हमारा नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 160% बढ़ के 6 लाख करोड़। 2014 में आज जो 19,000 करोड़ मतलब होता था उससे 3 गुना बढ़ गया है। अध्यक्ष महोदया, इस वर्ष न्यू टैक्स रेट स्ट्रक्चर को रिवाइज किया, जिसमें स्टार्टर एम्प्लॉयज को 17,500 तक की इनकम टैक्स सेविंग होगी। सरकार द्वारा स्टैंडर्ड डिडक्शन को सैलरी एम्प्लॉयज को 50,000 से बढ़ के 75,000 किया और डिडक्शन ऑन फैमिली पेंशन फॉर द पेंशनर्स को 15,000 से 25,000 कर दिया। आज विश्व का स्टार्टअप हब है और हमारा देश 1.4 लाख स्टार्टअप और 110 यूनिकॉर्न है। हम अक्सर देखते हैं कि स्टार्टअप को फंडिंग राइज करने में बहुत दिक्कत होती है, जिसके लिए सरकार ने एंजल टैक्स एबॉलिश करने की घोषणा भी की है, जो इजीली स्टार्टअप को उनको फंडिंग में आसान होगा और लिटिगेशन कम करके और ज़्यादा फोकस इनोवेशन का ग्रोथ किया जाएगा। अध्यक्ष महोदया, टैक्सेशन में सबसे दिक्कत लिटिगेशन में होती है, जो देश में 12 ट्रिलियन टैक्स डिस्प्यूट में फंसे हुए हैं, जो हमारे जीडीपी का ऑलमोस्ट 6% है। सरकार का ये इसका कम करने के लिए इस बजट में विवाद से विश्वास स्कीम 2024 को शुरू किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इस साल में बजट में स्वास्थ्य को लेकर सबसे बड़ी घोषणा वित्त मंत्री द्वारा की गई है। इसमें पहले वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने कैंसर के इलाज के इस्तेमाल होने वाले प्रमुख दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 0 करने की घोषणा की है। सरकार के इस कदम से कैंसर के मरीजों को और आम जन को बड़ी राहत मिलने वाली है। जिसके अलावा कैंसर में ट्रीटमेंट इस्तेमाल की जाने वाली कुछ मशीनों का दाम सस्ता करने की भी घोषणा दी गई है। सरकार ने एक्सरे ट्यूब्स और फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स फॉर यूज एंड मेडिकल एक्सरे मशीन्स पर भी बेसिक कस्टम ड्यूटी कम कर दिया है। अध्यक्ष महोदया, मेरी मांगे वो मैं आपके माध्यम से शासन को बताना चाहता हूँ। महाराष्ट्र राज्य को 720 किलोमीटर का समुद्र किनारा है। इस समुद्र किनारे में रत्नागिरी, दापोली, गुहागर, अलीबाग, सिंधुगढ़ इसके बंदरों आते हैं। उनकी मरम्मत होना बहुत जरूरी है और उसकी मरम्मत के लिए इन सभी बंदरों का विकास होना अति आवश्यक है। बंदरों का विकास होने से जलवातुक शुरू हो जाएगी, उनमें सुविधा होगी, साथ ही बंदरों के आसपास की छोटी छोटी बस्तियों का भी विकास हो जाएगा। मैं मुंबई के बारे में कहना चाहता हूं कि यहाँ मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर वर्सावा कोलीवाड़ा है, जो बाकी के भी कोलीवाड़े मैक्सिमम वर्सावा कोलीवाड़ा है, जहाँ मछुआरे मत्स्य व्यवसाय करते हैं। उनके विकास के लिए कल्याणकारी योजना शुरू करने की आवश्यकता है, जिससे उनके परिवारों का भी विकास होगा। जलवायु को बढ़ावा देने से कोलीवाड़ों का विकास होगा। जिस तरह किसान को बीमा उपलब्ध किया जाता है, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार मत्स्य व्यवसाय करने वाले परिवार को भी बीमा की सुविधा प्रदान करे, जिससे मत्स्य व्यवसाय करने वाले परिवार को भी लाभ दिया जाएगा। जैसे समिंदर में अध्यक्ष महोदया 2 मिनट महोदया, प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि मुंबई को देश का कैपिटल बनाया जाए और मेरी मांग ये है उस पर जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए, क्योंकि मुंबई का जीडीपी 6.16% और लगभग 30% डायरेक्ट टैक्स का योगदान देती है। मुंबई को देश का फाइनेंशियल कैपिटल बोला जाता है और अब वक्त आ गया है इसे विश्व का फाइनल कैपिटल बनाया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, हमारी दूसरी मांग है कि मुंबई रेलवे को अपग्रेड करने के लिए एमईटीपी को और ज़्यादा बजट देने की ज़रूरत है, क्योंकि आज एमएमआर रीजन बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है। 1 करोड़ लोग रोज पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं और इसलिए रीजन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए मल्टीपल माध्यम से 1 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज महाराष्ट्र को दिया जाए। मेरी तीसरी मांग है कि हम अफोर्डेबल मुंबई में माड़ा के माध्यम से घर बनता है, एसआरए के माध्यम से हम झुग्गी झोपड़े के माध्यम से उनको रीडेवलपमेंट करते हैं। मेरी ये मांग है कि देश में इसके लिए जो हम लोग ने 10 लाख करोड़ रुपया बजट में रखा है, उसके माध्यम से मैं वित्त मंत्री को कहना चाहता हूँ कि मुंबई ये देश की मुंबई राजधानी है, महाराष्ट्र की औद्योगिक राजधानी है। यहाँ लोग नौकरी के वजह से वहाँ जो आते, इसके लिए मुंबई शहर में विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्री सेक्टर होने से कई लोग बाहर से नौकरी करने यहाँ आते हैं। वो गरीब घर के लोग हैं, बच्चे हैं। मुंबई में घरों के दाम ज़्यादा होने से कारण खरीदने में सक्षम नहीं होते, यानी किराए के मकान को अफोर्ड कर नहीं पाते। ऐसे लोगों को मजबूरन अनधिकृत जगह पर झुग्गी झोपड़ियाँ तैयार करने पड़ती है, जिसके कारण मुंबई में अनधिकृत बांधकाम भी बढ़ते हैं। मेरी मांग है, जिससे मुंबई शहर का विकास करने की कठिनाई होती है, इसके लिए 10 लाख करोड़ जो बजट में दिया है, उसके अंदर से 1 लाख करोड़ मुंबई शहर के विकास के लिए देने की मैं मांग करता हूँ। और एक लास्ट मांग है मेरी, अध्यक्ष महोदय, मेरी मांग जो है ये कि मुंबई में टाटा प्राइवेट कैंसर का अस्पताल है, इसके इलाज के लिए मुंबई राज्यों अपने देश के राज्यों से नहीं, बाहर के देश से भी लोग आते हैं और एक ही हॉस्पिटल है टाटा का। मेरी मांग है आपके माध्यम से कि मुंबई शहर में, जहाँ मेरा लोकसभा क्षेत्र है, गोरेगांव आरे में जमीन पर सर्वेक्षण करके सरकारी कैंसर अस्पताल का निर्माण किया जाए। जिस एक अस्पताल का जो टाटा के ऊपर जो बोझ पड़ता है, वो उसके माध्यम से कैंसर के मरीज अभी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहे, उनके लिए मुंबई में एक कैंसर का हॉस्पिटल किया जाए। मैं अंत में सरकार को धन्यवाद देता हूँ और मुझे जो भाषण करने के लिए समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।